Hey guys, welcome to the session. Very good evening, Anurag, Saloni. मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। भारत में भेड़ियों की बहुतायत यानी कि जनसंख्या ज़्यादा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबेंडेंस ऑफ बॉल्स। जय हिंद सेनाज। वोल्फ्स इन इंडिया, जो वोल्फ, क्लियर है, वोल्फ की जो जनसंख्या ज्यादा है उसकी कथनों को विचार करके आंसर देना। वोल्फ की जनसंख्या के बारे में सही आंसर दीजिए। भारत में भेड़ियों की दो उप प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला सही है एकदम, फर्स्ट वाला, और दूसरा गलत है। IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को सुबेद के रूप में नामित किया गया है। द ग्रे वुल्फ इज डेजिग्नेटेड एज वल्नरेबल। तो ये वल्नरेबल नहीं है, कम चिंताजनक है या लीस्ट कंसर्न है। जो ग्रे वुल्फ है वो लीस्ट कंसर्न है, कम चिंताजनक। और जो हिमालय वुल्फ है ये सुबेद्य है, यानी कि उल्टे हैं दोनों। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। अच्छा, अनुराग ने रिपोर्ट पढ़ लिया आज। दो सेकंड वाला जो है वो उल्टा है। जो ग्रे वुल्फ है वो कम चिंतनीय है, यानी कि लीस्ट कंसर्न है। और जो हिमालय वुल्फ है वो क्या है? वल्नरेबल है। जैन विकास, वो वल्नरेबल है, सुबेद। तो दोनों उल्टे, पहला ठीक है, दूसरा गलत। आंसर होगा ए। यह है ग्रे वुल्फ। जैन कल्पना, यह है ग्रे वुल्फ और यह है हिमालयन। कोई बात नहीं अनुराग, सब ठीक तो चल रहा है। राम राज्य चल रहा है तो और क्या चाहिए, इतना इससे अच्छा और क्या चाहिए। भारत में भेड़ियों की दो उप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ पाया जाता है और हिमालय दूसरा होता है, उत्तर में हिमालय या तिब्बती भेड़िया। चंद्रश्मी, ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह कई राज्यों में पाया जाता है। जो ग्रे वुल्फ है ये गुजरात में, राजस्थान, यूपी, MP, महाराष्ट्र और भी कई स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो आपका ये हिमालय और तिब्बती भेड़िया है ये हिमालय वाले रेंज में, उत्तर में पाया जाता है। हिमालय भेड़िया मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र और पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है, मेन रूप से लाहौल, स्पीति और लद्दाख वाले एरिया में। जो ग्रे वुल्फ है ये कम चिंतनीय है, लीस्ट कंसर्न। और जो हिमालय भेड़िया है इसको सुबेद या वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया। हेलो आशीष, वेलकम। ठीक है, जो ग्रे वुल्फ है वो कम चिंतनीय यानी कि लीस्ट कंसर्न है, और जो हिमालय भेड़िया है वो सुबेद यानी कि वल्नरेबल है। स्टेट ऑफ द जुडिशरी के बारे में सही आंसर देना है। स्टेट ऑफ द जुडिशरी, वेरी गुड इवनिंग तानी। स्टेट ऑफ द जुडिशरी के बारे में दोनों में से सही आंसर देना, कौन सा है, कौन से कथन सही है। रैना ब्रेन,
देखो कुछ लोग रेगुलर हैं कुछ लोग रेगुलर नहीं हैं। मैं कोई तो कभी कभी आता है हफ्ते में एक दिन 15 दिन में एक दिन। अगर आप यूपीएससी नहीं लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं और आपके अंदर कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी नहीं है तो ज़्यादा टाइम ख़राब मत करना उस लाइन में। चाहे बिजनेस करना हो जॉब करनी हो किसी भी क्षेत्र में जाना हो, कंसिस्टेंसी आपके लिए नहीं है किसी एक काम पर आप टिक नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा काम जिसको करने करते हुए आपको टाइम देखने की ज़रूरत पड़ रही है इसका मतलब आप सक्सेस से पीछे जा रहे हैं। कहीं भी हो रेगुलरिटी होनी चाहिए। स्टेट ऑफ द जुडिशरी सी 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 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट स्टेट ऑफ द जुडिशरी ने पीठों में लिंग विशिष्ट मामलों के आवंटन के में असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो पीठ बनती है, पीठ तो आप जानते होंगे, हाँ बेंच बेंच जिनको बोलते हैं पीठ बेंच, तो ये पीठों में नहीं है, जिला न्यायालय परिसर में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो परिसर होता है उसमें है, ये पीठों में नहीं है, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये रिपोर्ट महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए अलग बेंच के अपर्याप्त प्रावधान और लिंग विशिष्ट सुविधाओं के अभाव में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डालती है। वेरी गुड इवनिंग रविंद्रा। एक दो दिन चल जाता है बीच बीच में, तबीयत तबीयत खराब होती रहती है उसमें। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि बीच में कोई छुट्टी नहीं लगेगी, एक दो दिन चल जाता है वो सबको, मुझे भी तो करनी पड़ती है। इसमें पर्याप्त शौचालय यानी कि टॉयलेट वगैरह है, और जो इनका कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इस तरह से, तो शौचालय वगैरह की जो कमी है उसको पूरा करने पर प्रकाश डाल दिया। तो दोनों गलत है इसमें, पहला भी दूसरा भी, डी आंसर इसका, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा स्टेट ऑफ द जुडिशरी शीर्षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने देश भर में देख के जिला न्यायालय परिसरों के भीतर लिंग विशिष्ट सुविधाओं में असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कौन से? जिला न्यायालय परिसर। रिसेंट रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ द जुडिशरी पब्लिश बाय द सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन अटेंशन टू द डिसपार्टीज इन जेंडर स्पेसिफिक फैसिलिटीज विद इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में, ना कि एक किसी हाँ अनुराग, अब उस दिन सोहित ने कहा था कि 8 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब 8 दिन के लिए मुझे घूमने जाना है। कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता 8 दिन का। चलो मई में नहीं जून में एग्जाम है, फिर भी कोई मतलब नहीं बनता यूपीएससी के एग्जाम में 8 दिन की छुट्टी। रिपोर्ट महिलाओं के लिए अलग 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 शौचालयों के पर्याप्त प्रावधान, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीनों की कमी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालती है। यानी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, जो महिलाएं हैं उनके लिए पर्याप्त शौचालय नहीं है, टॉयलेट वगैरह, नैपकिन जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह की सुविधा नहीं है, ये सब की कमी बताई है इस रिपोर्ट में। स्टेटमेंट वाला सवाल है, स्टेटमेंट सेम है, पहला दूसरा दोनों सही है और दूसरे वाला पहले की व्याख्या करता तो ये आंसर देना है, पहला दूसरा दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता तो बी आंसर देना है, पहला सही है दूसरा गलत तो सी, पहला गलत दूसरा सही तो डी आंसर देना है। पढ़िए सवाल। जो 24 देने वाले हैं, ये टाइम आपका टेस्ट सीरीज का चल रहा है, जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे उम्मीद है रिवीजन हो गया होगा सब। अभी आपका बचता है पूरा अप्रैल मई, लगभग 3 महीने मान लो,
3 महीने हैं, रिवीजन करते रहो, टेस्ट सीरीज लगाते रहो। इस टाइम 2 टेस्ट सीरीज पे आ जाओ आप लोग, डेली 2 टेस्ट, 100 100 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन आपको डेली लगाने चाहिए। हाँ अनुराग, इस टाइम आपको 2 टेस्ट लगाने चाहिए जो 24 देने वाले हैं, 100 100 मार्क्स के पूरा सेट। ए और दीजिए आंसर। इन दो में आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक सी सेट का लगा लें और एक जीएस का लगा लें, एक जीएस एक सी सेट, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत आंसर होगा सी। संशोधित निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं लेकिन सहकारी बैंकों पर नहीं होते हैं, दोनों पर लागू होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों पर भी सहकारी बैंकों पर भी दोनों पर लागू होते हैं। रिवाइज इन सेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल कॉमर्शियल बैंक्स बट नॉट टू कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पर भी कॉमर्शियल बैंक पर भी दोनों पर लागू होते हैं। दूसरा गलत है, पहला ठीक है, आंसर होगा सी। सब तुक्केबाजी चल रही है, कोई तैयारी नहीं किसी की 24 के लिए। रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्गीकरण और सक्रियण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो निष्क्रिय खाते हैं, इन ऑपरेटिव जो अकाउंट्स हैं, तथा अदावी यानी कि दावा न किए गए, जैसे सपोज करो कोई एक व्यक्ति था 60 ईयर्स 65 ईयर्स, उसके अकाउंट में कुछ पैसा है, उसकी डेथ हो गई और उस पैसे को कोई क्लेम करने नहीं आया, उसके संबंध में दिशा निर्देश को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू होंगे और ये 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित किए जाएंगे। द रिवाइज गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। पढ़िए सवाल। तुम लोगों ने एक तुक्का बना रखा है नहीं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ए आंसर हो गया बी। एग्जाम तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं लेकिन तैयारी सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ, लिख लो इस टाइम, कंटेंट का एग्जाम नहीं बचा है। हमारे टाइम में कंटेंट का एग्जाम था, कंटेंट ही नहीं मिलता था। अभी कंटेंट का एग्जाम नहीं बचा है, प्रेजेंटेशन का एग्जाम है। कंटेंट बहुत है यूट्यूब पे फ्री में, एक एक टॉपिक पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी आपको। सिकल सेल रोग, सिकल सेल डिजीज के बारे में आंसर देना है, कौन सा है, कौन से सही है। कंटेंट दुनिया भर का है। सी बी डी सी, जो SCD है, सिकल सेल डिजीज, इसमें हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है, इसके कारण WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है कठोर और चिपचिपी हो जाती है और सी आकार के कृषि उपकरण जैसी दिखती हैं, जिसे हंसिया कहा जाता है, हंसिया नहीं कहा जाता, उन्हें सिकल कहा जाता है, सिकल कहा जाता है, सिकल। ये वंशानुगत श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स विकारों का एक समूह है, नहीं रेड बीसी का है, RBC का है, रेड ब्लड सेल्स का, दोनों ही गलत हैं। आंसर कौन सा होगा, डी। सिर्फ एक आंसर है डी। क्या होगा रे तेरा कालिया। वेरी गुड इवनिंग सोहित सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, ले अब क्वेश्चन खा। दोनों गलत, पहला दूसरा डी आंसर। यह है सिकल सेल रोग,
इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं देखो कैसी हो रही हैं, ये सी आकार की बन जाती हैं, सी आकार की, ये नहीं हो रहा है सी आकार, ये जैसे ब्लड सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं गोल 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 गोल, अगर इनको आप बड़े उसमें देखेंगे तो ठीक, ये ब्लड सेल्स हैं। लेकिन ये जो सिकल सेल रोग है इसमें देखो सी आकार की हो जाती है, जैसे वो नहीं होता खुरपा टाइप कृषि उपकरण, इस तरह से बन जाती हैं। ये है सिकल सेल एनीमिया। एसिडी वंशानुगत लाल रक्त कोशिकाओं विकारों का समूह है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और सी आकार के कृषि उपकरण की तरह दिखती हैं, ये सिकल कहलाती है। यस, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य है 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। 2047 ये भी याद रखेंगे, भारत का लक्ष्य क्या है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से खत्म करना। कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। देखो अगर आपको इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, किसी को लगता है यार ये क्वेश्चन अपने बस की नहीं है, तो वो यूपीएससी छोड़ दो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि सवाल तो ऐसे याद करेंगे, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जयनवी, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। देखो ये वाला देखना, पिछले देखना, अगर आपको उन वाले क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो यूपीएससी छोड़ दो, प्रेशर में आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तानी ये वाली स्लाइड देखनी पिछली, इससे दूसरा पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, जल्दी से चाहिए नौकरी तो भी मुश्किल है। कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, पढ़िए सवाल, पढ़िए कौन सा सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। क्वेश्चन दिख गया, वो तानी ने पीछे करने के लिए बोला था ना, तो वो डाउट होगा वो क्लियर करना था। ए ए सी डी ए आंसर है इसका। भारत में पश्चिम बंगाल सभी इस्पात उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल नहीं है भैया, कौन सा है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। नो सर ये क्वेश्चन ही बेस्ट है सर जी, और देखना यही बताना आजकल यूपीएससी। दूसरा है इसका, पश्चिम बंगाल नहीं है उड़ीसा है, पहला सही दूसरा गलत, आंसर होगा ए, बताओ जी। इस्पात जो स्टील है इसमें व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उत्पादक उद्योगों का आधार है, यानी कि बाकी कोई भी आपको उद्योग इंडस्ट्री लगानी हो तो पहले उसमें लोहे की मशीन और ये सब चाहिए। जय शोभा, वाह शोभा आए हैं आज हमारी क्लास की शोभा बढ़ाने। इस्पात उद्योग निर्माण, बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाता है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, डिफेंस हो, कोई सा भी हो, सब में हमें इस्पात चाहिए और या मान लो स्टील या लोहा चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी है। भारतीय इस्पात उत्पादन में वैश्विक ताकत है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर। भारत के कौन से नंबर पर है,
दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले पे चाइना। इसमें उड़ीसा सबसे पहले है पहले नंबर पर, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये भी आ जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग साहिल। उड़ीसा नंबर वन पर है, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो भारत दूसरे नंबर पर है। चाइना फर्स्ट नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत में देखेंगे तो उड़ीसा नंबर वन पे, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़। मनरेगा के बारे में, एम जी नरेगा, सही आंसर दीजिए कितने सही हैं। एम जी नरेगा सही आंसर। 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय, 50%, एक तिहाई महिलाएं, ये तीन ऑप्शन है। हाँ लेके आऊंगा, कितनी हड्डियां होती हैं, ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं कहीं, वो चांद पे चला गया वापस, बोला मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूँ वापस। फिर मैंने उसको बोला कि सोनी मैम तुझे लेके आएंगी, चल हम भी लेके आएंगे, तब वो बोला ठीक है मैं आऊँगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में से आंसर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम जी नरेगा। सी बी 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 सी आंसर है इसका, तीनों ठीक है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। इसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए इसके लाभार्थियों में। अगर सपोज करो 100 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है एक गांव में, तो इसका 33 यानी कि 1/3 लगभग 33 कितनी कौन होनी चाहिए, महिलाएं रोजगार में होनी चाहिए। और जो ग्राम सभाएं हैं उनकी अनुशंसा पे 50% कामों को उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। सी आंसर है इसका, 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और पूरी दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रमों में से एक है योजना। किसी भी गांव के परिवार का जो यंगस्टर होता है, वयस्क होता है, उसको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने 100 डेज का रोजगार सुनिश्चित करता है। ठीक, ये अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कामों की अनुशंसा करने का आदेश देता है और जो किए जाने और कम से कम 50% कामों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, जो ग्राम सभाएं हैं, सपोज करो किसी गांव में प्रधान बनता है, तो जो ग्राम सभा वहां पे होती है उस ग्राम सभा से पूछा जाएगा किस काम की जरूरत ज्यादा है। सपोज करो कहीं नाला बनना है या नाले की सफाई होनी है, तो वो लोग उसके मान लो प्रियोरिटी में रखेंगे कि नाले की सफाई होगी तो वो काम किया जाएगा, और 50% काम वही लोग करेंगे जो ग्राम सभा के यंगस्टर्स हैं, यंग हैं। इसके लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। जय हिंद कृष्ण। मैंने देखा अपने आसपास में, गांव के आसपास में एक भी महिला नहीं होती है, कोई महिला काम करने नहीं जाती नरेगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, TTDI, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, जो लोग जूनियर हैं भी मतलब 25 में देना है, वो इनके प्रेशर को देख लो, इनसे सीख लो कुछ, जो 24 दे रहे हैं क्या क्या, कैसे इनके पे प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या इनका कंप्लीट हो रहा है, तो इनसे सीखो अगले साल के लिए। और जो 24 वाले हैं MCQs जरूर लगाओ, PYQs तो अब तक आपने उम्मीद की जानी चाहिए कि PYQs अब तक आपने पूरी तरह से निपटा दिए होंगे। PYQs जबरदस्त तरीके से, MCQs खूब लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, और आपके पास अभी 3 महीने हैं रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, नई चीज ना पढ़ें,
नई चीज ना पढ़ें, कोशिश करें जो था उसको रिवाइज करें। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, WEF। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी करते हैं। ये 2021 में 15 साल पुरानी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक श्रृंखला का विकास है जो गतिशीलता और भविष्य के आकार देने के विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक प्रमुख सूचकांक है। विश्व आर्थिक मंच का समग्र भारत में लीची की कृषि के बारे में सही आंसर दीजिए, कितने सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीची कल्टीवेशन इन इंडिया एज अ होल, पूरे भारत में लीची की खेती के बारे में आंसर देना। कितना अच्छा सवाल है, लीची का टाइम भी आ रहा है। लीची की कृषि, लीची कल्टीवेशन, कितने सही तीनों में से। लीची का टाइम आ रहा है, अच्छा रेहान की एंट्री हो चुकी है, हमारी भी एंट्री होगी, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, रेहान का तो ये काम। दिग्या रेहान मैसेज, जय हिंद जय हिंद। चलिए आंसर दीजिए लीची के बारे में। सी बी बी ए बी इसमें दूसरा सही है, ए आंसर है इसका। लीची का उत्पादन भूमध्य रेखीय जलवायु में होता है, उष्णकटिबंधीय में होता है, उष्णकटिबंधीय है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल। भारत विश्व स्तर में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं भैया, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पे कौन है फिर, ये भाई साहब है फर्स्ट पे, ये हर जगह फर्स्ट पे कूद जाते हैं। हानवी, तुमने बोला हमने सोचा नहीं, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे चाइना है लीची उत्पादन में, सेकंड नंबर पर इंडिया है, और ये भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ए आंसर है इसका, केवल एक सही है दूसरा वाला। ये होती है लीची, अगर कोई ना जानता हो तो भाई, अगर कोई चांद पे रहता हो और उसको लीची ना पता हो तो लीची देख लो। रेहान अच्छी बात है, फिर इसका मतलब हेल्थ सही हो रही है। अगर फास्टिंग करते टाइम थोड़ा बहुत बुखार यानी कि बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो ठीक रहता एक दो दिन के लिए। चलिए, लीची ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और नम स्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है, यानी कि हल्की हल्की नमी चाहिए होती है इसकी फसल के लिए, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो और लगभग 800 मीटर की ऊंचाई। भारत का लीची उत्पादन लगभग 40% केवल बिहार में होता है। देखो देहरादून को क्या माना जाता है, देहरादून का नाम है लीची नगर, देहरादून का नाम है लीची नगर,
लेकिन ज्यादा जो लीची पैदा हो रही है वो कहाँ हो रही है? बिहार में। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 12% का शेयर है, झारखंड 10%, यानी कि उधर वाला जो एरिया है वही बिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला, वहां पे ज्यादा होती है। हाँ लीची बहुत टेस्टी लगती है। देहरादून में एक बार हम ऐसे रूम पे रहते थे, बगल में उसकी लीची का पेड़ था, वो क्या कहने हैं। चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर और यूएसए। यूएसए हर जगह पूछ जाता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में आंसर देना। यस सलोनी, वेरी गुड, तुम तो चाइना की बगल में हो, वर्ड भी जानती हो। अरे आफरीन, बचपन में गुड़िया गुड्डों की शादी भी कराते थे हम ना, तो बचपन तो बचपन होता है। वो गुड़िया गुड्डे सोच के लगता था बस रियल वाली शादी यही हो रही है, बच्चे उनको विदाई करते रोते थे, तो बचपन तो बचपन है, बचपन की क्या बात है। हाँ अनुराग, चोरी चोरी लीची चोरते हैं, चोरी करके खाने में बहुत मजा आता था उस टाइम पे, अब नहीं। मतलब चलिए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में आंसर देना है। और नॉट करेक्ट में आंसर देना है, नॉट करेक्ट। रेहान कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड उल्टा है, ए इज राइट आंसर, बी बी डी डी ए। ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा बताया जाता है, तो तीसरे वाला गलत है। क्या आंसर दिया था रेहान ने? ए राइट है, और सबसे पहले मैंने वही राइट गलत किया है, पहले दूसरे इंटरचेंज है, बिल्कुल सही कहा था, पहले दूसरे इंटरचेंज है, बिल्कुल सही कहा था, लेकिन तीसरा भी गलत है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ये मांग जनित मुद्रास्फीति यहां ले जाओ, लागत प्रेरित वाली यहां ले आओ, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन यहां और डिमांड पुल यहां, बस दोनों इंटरचेंज हैं, और तीसरे वाला भी गलत है, सीपीआई है वो, डब्ल्यूपीआई नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। सपोज करो कुछ महीने कुछ टाइम के लिए कीमत अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं सेवाओं की व्यापक माप शामिल है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, चलो वो तो इंटरचेंज था, पहला दूसरा तो वहीं पढ़ लिया होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह निर्धारित करता है कि वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी खरीदने की लागत की गणना करके पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हुई है। इसका उपयोग हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलो, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और कंचनजंगा, हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसमें कितने हैं जहां पर हिम तेंदुआ पाया जाता है या स्नो लेपर्ड पाया जाता है? स्नो लेपर्ड के आवास या उनके हैबिटेट हिम तेंदुआ। रेहान उत्तराखंड का फूल
फॉर्म भरा है आपने? वैसे तो उत्तराखंड का फॉर्म भरने का कोई लोजिक तुम्हारा बनता नहीं है यूपी वालों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिर भी अगर कर सकते हो तो देख लेना। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख बड़ा फेमस है, गंगोत्री उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम, तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों सी आंसर है इसका, पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट। यह है हेमिस नेशनल पार्क और यह है कंचनजंगा, उसकी पिक्चर अच्छी मिली रही थी तो मैं लाया। यूपी पीसीएस का एग्जाम, यूके पीसीएस का एग्जाम ऐसा आता है जैसे ग्रुप सी का आता है, प्री एकदम सीधे सीधे सवाल, जैसे तुम बोल रही थी ना भी शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल वन लाइनर आते हैं, ग्रुप सी वाले सवाल आते हैं। हाँ रे हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, यूपी के लिए भी तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना स्टेट, तो वहां उत्तराखंड के लिए कम से कम तीन बुक पढ़नी पड़नी पड़ेंगी उत्तराखंड के लिए। हाल ही में किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए जिसको पैंथेरा अंसिया बोलते हैं, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसने? किर्गिस्तान ने, पैंथेरा अंसिया या हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं। हिम तेंदुआ पारिस्थिति की संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और ये वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में रहता है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके क्षेत्र के 1/3 भाग में, और इसकी आबादी में कमी से विभिन्न प्रजातियों के लिए खतरा बढ़ गया है। अब सोचो हर चीज़ जरूरी है, तेंदुआ मर रहा है उससे भी हमारी जो आबादियां हैं उन पर खतरा है। जो एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं उनके लिए अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उथले क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करती है। हिम तेंदुओं के लिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये लद्दाख का, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, यहाँ सब कहाँ क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ पाया जाता है। भारत इटली संबंधों के बारे में सही आंसर दीजिए। चार तारीख लास्ट है शायद, ये तीन अनवी जल्दी भर देना। यस साहिल, लेकिन एक चीज है अनवी, उत्तराखंड पीसीएस अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया ना तो उत्तराखंड में नौकरी करने के बड़े मजे हैं, एकदम सीधे साधे लोग हैं, जबरदस्त, कोई क्राइम नहीं। थोड़ा सा जो हमारा वाला एरिया है ना वो प्लेन वाला, वहां पे क्राइम है पर वहां पे इनकम भी अच्छी है, यहाँ ये बातें बतानी नहीं चाहिए, इनकम इन द सेंस समझ ही गए होंगे, लेकिन वहां पे उतना क्राइम नहीं है जितना यूपी में है, उतना क्या उसका तो 5% भी नहीं है, पर एज कम्पेयर टू जो अपर वाला उत्तराखंड है, हिल वाला एरिया, हिल में तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। बहुत इजी आता है, बहुत इजी, मैंने बोला नहीं सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। भारत इटली संबंधों के बारे में आंसर दीजिए। यूके में अनभी बहुत मजा है, तुम्हारे यहां तो थोड़ी पोल्यूशन गर्मी भी है, वहां गर्मी भी कम है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल देख लो सलोनी, सीधी सादी एकदम, मैंने ये गढ़वाल के बच्चे पढ़ाए ना, वहां के जो ऊपर के बच्चे होते हैं बहुत एकदम आइडियल टाइप के, मजा आता है उनको पढ़ाने में। ये देखो सहनाज देहरादून में रह रही और अब मेरे कहने से कह रही हम भी फील करेंगे फिर, तो तुम्हें नहीं पता उत्तराखंड में क्या क्या चीज आती है, कैसा है उत्तराखंड में। भारत इटली संबंध, इंडिया इटली रिलेशन के बारे में सही आंसर दीजिए। हाँ बहुत प्यारा एरिया है। हाँ रेहान बिल्कुल सही, दोनों ठीक है, इसमें पहला भी और दूसरा भी, पहला दूसरा दोनों सही आंसर है सी। हाँ तुम तो बहुत बड़ी बदमाश हो, बिल्कुल कर सकते तानी, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बोला है क्योंकि इस बार उत्तराखंड पीसीएस ने, आयोग ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या था, ऑप्शनल नहीं था, सारे जीएस के पेपर थे, अभी जो लास्ट के दो पेपर हैं ना उसमें उन्होंने उत्तराखंड कर दिया, लास्ट मेंस में, प्री में तो चलो है ही ठीक है, 20 से 30% तक उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेंस में दो पेपर लिखने वाले कर दिए, इसलिए मैंने नहीं बताया था आपको, तो
उसमें थोड़ा थोड़ा क्या बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री, ठीक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये फोर्थ पेपर है शायद, जो जीएस का फोर्थ है। और जो फिफ्थ पेपर है उत्तराखंड की इकोनॉमी, उत्तराखंड में साइंस एंड टेक, उत्तराखंड की जो महिलाओं की स्थिति, ये सारी चीज़ें ये उसमें आ जाएंगी। तो दो पेपर तो आपके 250-250 नंबर के, 500 नंबर का था, तो उत्तराखंड ही कर दिया है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो फिर उत्तराखंड इतना पढ़ना मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपना स्टेट भी पढ़ना पड़ता है। नान भी देहरादून मत भरना, सेंटर भरना नैनीताल। देहरादून में गर्मी होने लग गई है, और अगर देहरादून भरते हो तो फिर मसूरी चले जाना। हाँ आशीष, अल्मोड़ा बेस्ट है, अल्मोड़ा भर दो या नैनीताल भर दो, क्योंकि गर्मी में एग्जाम होने वाला है, अल्मोड़ा नैनीताल ठीक रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कितने सही हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वेरी गुड नाइट। पीएम किसान सम्मान निधि, इस चक्कर में तो एक बार मैंने नैनीताल भर दिया था, जो पिछले वाला मेरा एग्जाम हुआ था उत्तराखंड पीसीएस का, मैंने नैनीताल भर दिया कि गर्मी में पड़ेगा, जाके आराम से मजे से घूमेंगे। भाई साहब, दिसंबर जनवरी में पड़ा और इतनी ठंड हो रही वहाँ कि बस पूछो ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कितने सही? उस टाइम मेरे साथ का लड़का वहाँ पीएचडी कर रहा था, और मैंने जो वहाँ पानी देखा सारा जमा पड़ा, ये जो मतलब वो होता है ना पाइप। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सही आंसर देंगे कितने सही हैं? कौन सा कमेंट? अरे क्यों नहीं कर सकती हो, फिल कर, सब कर सकते हैं। पीसीएस का एग्जाम कोई भी किसी स्टेट का भर सकता है। चलिए पढ़िए, सवाल पढ़िए। शोभा कांत का आंसर है ए। अरे वाह, शोभा आज बड़े शांत हैं। ए, वेरी गुड। जो लोग नए जुड़े हैं या बाद में ये क्लास देखेंगे, ये सेशन हमारा डेली 10 PM पे चलता है, लेकिन तीन चैनल पे चलता है। तीन चैनल कैसे? इस वाले चैनल पे हम इसी तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरा चैनल है परचम पीसीएस करके, उस पे हम पीसीएस के क्वेश्चन करते हैं, सभी स्टेट पीसीएस में आने वाले सवाल, यानी ये वन लाइनर टाइप। एक है परचम आईएएस इंग्लिश, उस पे जीएस मिक्स क्वेश्चन चलते हैं इसी लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे। तो तीन चैनल हैं, और तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको सवाल अच्छे लगते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जाके चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। बाकी और भी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन देता हूँ और क्लासेस की अपडेट। उससे भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है तो ऐप भी हमने लॉन्च कर रखा है, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज लगा लेना। इसमें सिर्फ पहले वाला ठीक है, ए आंसर है इसका, फर्स्ट वाला। इस योजना के तहत केवल 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान ही लाभ के पात्र हैं। पहले 2 हेक्टेयर की लिमिट थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब इसमें आ गए, कोई लिमिट नहीं है अब इसमें, पहले 2 हेक्टेयर की लिमिट थी। तो दूसरा गलत है, योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक 25% नहीं है, 5% है, 5%। दूसरा तीसरा दोनों गलत, पहला ठीक आंसर होगा ए। ये रहा आपका क्वेश्चन। अरे पागल हो क्या तानी, एग्जाम से पहले घूमना ही क्यों है? एग्जाम दे के घूमो, जब सर से बोझ उतर जाए तब घूमो, पहले तो सीधा एग्जाम देने जाओ। पीएम किसान सम्मान निधि 100% वित्त पोषित है भारत सरकार के द्वारा, और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसका कार्यान्वयन करता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखेंगे इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसका।
मंत्रालय है। योजना का दायरा है, पहले 2 हेक्टेयर भूमि वाले थे लेकिन बाद में इसको दायरे को बढ़ा दिया सब हैं, और ये 5% लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है। 25% नहीं, 5%। जब कभी एग्जाम देने जाया करो तो एग्जाम की टेंशन के बाद घूमा करो। एक्स किरण ध्रुवण मापी उपग्रह यानी कि एक्सपोसैट के संबंध में सही नहीं में आंसर देना। एक्सपोसैट, जब मैं आगरा गया था एक बार, फर्स्ट और लास्ट बार गया था मैं यूपी का एग्जाम देने के लिए, तो मेरा आगरा में एग्जाम पड़ा था, उसके बाद मैं कभी एग्जाम देने नहीं गया हूँ, तो मैं एग्जाम के बाद घूमा था। बाकी तो दिल्ली उत्तराखंड ये तो अपनी जगह। एक्सपोसैट, साइंस एंड टेक, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इतना भी प्रेशर नहीं होता है तानी, इतना प्रेशर लेके कुछ भी नहीं होना है, प्रेशर कुकर बन जाना है। देखो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सीरियस का मतलब ये नहीं होता है, अगर कोई बोले कि अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाओ, तो सीरियस का मतलब ये नहीं है कि हंसना बोलना छोड़ दो, टेंशन में आ जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, माइग्रेशन हो जाए, नहीं भाई। सीरियस का मतलब यह है हंसी खुशी रहते हुए, मन को खुश रखते हुए, टाइम टू टाइम सब काम होना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए, टाइम पे पढ़ रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी सोशल लाइफ आपकी सही चल रही है। यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहता जिनकी सोशल लाइफ नहीं है, जो सोशल लाइफ को मैनेज करते करते पढ़ के जा रहा वो बेस्ट आईएएस बन सकता है। चलिए एक्सपोसेट का आंसर दीजिए, नोट करेक्ट में। टेंशन किस बात की, मेरी समझ नहीं आता है। डी सी बी इसमें केवल एक सही है, पहले वाला, दूसरा तीसरा दोनों गलत है, ए आंसर है इसका। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। माध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए समर्पित विश्व का पहला मिशन है, विश्व का पहला मिशन नहीं है, दूसरा मिशन है ये, सेकंड। ये इसरो और नासा के बीच सहयोग है, नासा का इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसरो का है, इसरो की 2 संस्थाएं हैं, उनके द्वारा बनाए गए। दूसरा तीसरा दोनों गलत, पहला ठीक आंसर होगा ए। ये है एक्सपोसेट, थोड़े मुंह दिखाई कर लो और सब 11-11 रुपए दे देना। स्टूडेंट लाइफ है ना, 501 रुपए होंगे नहीं, मुश्किल होगा, घर से पैसे आते हैं, तो 11-11 रुपए सब मुंह दिखाई देना। और ये है एक्सपोसेट। पढ़िए थोड़ा सा, कितने सही नहीं है। ओके, बी आंसर है इसका, बी, नॉट करेक्ट में पूछा था तो 2 गलत हैं इसके। ठीक है शोभा कांत, थैंक यू, मुझे लगा सही में बताना है, मैं खुद भूल गया। बी आंसर है इसका, केवल एक सही है पर वो गलत पूछ रहा था, तो बी आंसर होगा, सॉरी। हाँ लाओ 11-11 रुपए लाओ, अरे मुंह दिखाई भाई, एक्सपो सेट दिखा रहा हूं और क्यों। बी आंसर है इसका गलत पूछ रहा था, तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं। एक्सपो सेट दिखाया उसके, उसकी मुंह दिखाई बोला मैंने। ये पूरी तरह से बेंगलुरु स्थित 2 संस्थानों जो इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दोनों इसरो के हैं ये, इनके द्वारा इसका विकास किया गया, शुरू हुआ 2008 में और 15 में इसरो के साथ एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाँ रविंद्र, नोट पूछा बाद में ध्यान आ गया, तो बी आंसर है इसका, 2 गलत हैं, सेकंड और थर्ड। पेगासस स्पाईवेयर बड़ा फेमस है, हद से ही ज्यादा, नहीं फोन पे नहीं, मैसेज में चलता है, मेरे पास मैसेज कर दो आ जाएंगे। वाह शोभा कान, हाँ मैं भी मैसेज में दे दूंगा, चलो।
पेगासस स्पाईवेयर, और मैंने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नहीं बोले थे कि 11 रुपये, मैंने वो उसकी मुंह दिखाई के लिए बोले थे। प्रतिमा सबसे ईमानदार, चुपचाप 11 रुपये दे दिए। जाओ मत करो तुम लोग, प्रतिमा सबसे बढ़िया है, चुपचाप 11 रुपये निकाल के कमेंट में डाल दिए। पेगासस स्पाईवेयर कौन सा सही? कमेंट का मतलब है मेरी हो दान दक्षिणा का बॉक्स। यूबी सिंह का आंसर है बी, और अनुराग ने आंसर दिया है सी, सी रश्मि। सलोनी का आंसर सी। सी आंसर है इसका, दोनों ठीक हैं, पहला भी दूसरा भी। ये इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, पहला दूसरा दोनों ठीक हैं, बड़ा फेमस है और बहुत न्यूज़ में आता रहता है। जो पेगासस स्पाइवेयर है इससे क्या क्या नुकसान होता है? एक तो अटैक करता है, मतलब अगर आपके मोबाइल में SMS के माध्यम से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, अननोन वल्नरेबिलिटी कोई किसी भी तरह से वो आपके मोबाइल में डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। किसको हार्म पहुंचाएगा, किस किस को नुकसान पहुंचाएगा, SMS के लिए, ईमेल पे आपको कर सकता है, फोटो वीडियो पे कर सकता है। यही तरीका है वो फोटो वीडियो का कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। जो हमारे लीडर हैं, नेता है नहीं, वो छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है और वहां जाके वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, वो यही वजह है पेगासस। क्योंकि जिसके मोबाइल में पेगासस है उसकी पूरा रिकॉर्ड पेगासस डालने वालों को आ जाता है, और ऑटोमेटिक माइक्रोफोन ऑन कर देता है। आपकी जेब में मोबाइल रखा है, आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका फोन यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पर किसी से मीटिंग करके बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा फोन बंद है पर वो कैमरा चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग बाहर जा रही है। GPS का डाटा आपका पूरा चला जाएगा, आपने कहाँ कहाँ की यात्राएं की हैं, कौन कौन से होटल में रुके हैं, किस किस से मिले हैं। तो ये है स्पाईवेयर पेगासस। इस वजह से एक पार्टी हमारे देश की बहुत बड़ी हो रही है, ये कड़वा सत्य है, कोई माने या ना माने, ये रियलिटी है। गुड नाइट रविंद्रा। अच्छा रविंद्रा, कोई बात नहीं, ये रियलिटी है और इसको लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं पढ़ने जाने के लिए, जाने के लायक छोड़ा नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर के कारण उन्हें एक बार निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे चर्चा में हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल ही रिपोर्ट 2 प्रमुख भारतीय पत्रकारों के फोन को लक्षित करने से इनके उपयोग की ओर संकेत करती है। इसमें संभावित सरकारी भागीदारी के रूप में पूछताछ शुरू हो गई है। ये एक बार न्यूज़ आई थी, जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने संकेत दिया था कि जो जैसे कुछ पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि उनके मोबाइल में पेगासस से घुसने की कोशिश की जा रही है और ये सरकार की तरफ से हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने लिखा था, डायरेक्ट नहीं लिखा था, इनडायरेक्ट। पेगासस स्पाईवेयर एक अत्यधिक सुदृढ़ मोबाइल आवेक्षण टूल है जो विभिन्न ऐप्स और स्रोतों के डेटा और जानकारी इकट्ठा करता है, सेलफोन तक गुप्त रूप से पहुंच सकता है और निगरानी रखता है। इसे ये वाला याद रखना, इजरायली साइबर कंपनी इंटेलिजेंस फर्म है NSO, NSO इसको बनाती है, जो इस मात्र अपराध तथा आतंकवाद की रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों को बेचने का दावा करती है। ये बोलती है NSO कि हम इसको सिर्फ सरकार को बेचते हैं, यानी कि किसी भी देश की सरकार को बेचा जाता है, हम किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, बेचते हैं। NSO उन पत्रकारों, वकीलों और मानवाधिकार संरक्षकों को निशाना बनाने से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर देता है जो आतंक और गंभीर अपराधों में शामिल नहीं है। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि हम उनके लिए उनके मोबाइल में नहीं डालते हैं जो आतंक में शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं ऐसा। सही नहीं में आंसर देंगे, नॉट करेक्ट। जो स्टार्टिंग में मोई जी बार बार जा रहे थे ना वहां, वो इसीलिए जा रहे थे। हाँ अनुराग, तो हियरिंग सुनी नहीं आपने? विकास कोई गया होगा आपकी साइड से, उसमें कोई ना कोई तो वादी बना होगा ना, एग्जाम जिसने केस किया होगा उनका कुछ अपडेट आया होगा, उनसे टच में रहो।
नॉट करेक्ट में आंसर दीजिए हंटिंगटन रोग के बारे में। बड़ा मसला है यार ये। अरे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस बाहर बैठ के बच्चे उसमें लिख रहे थे मोबाइल से एग्जाम। बाकी सब ठीक है, देश विकसित हो रहा है। आपको पता है अभी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत के 1% लोगों पे 40% संपत्ति है, 1% लोगों पे 40% संपत्ति, और बाकी जो 99% लोग हैं, बाकी जो 99% लोग हैं उन पे बाकी 60% संपत्ति है। यानी कि अगर सपोज करो एक एक अगर इसमें मैं 100 में बांट दूं तो एक अकेले व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं, 100 लोगों में से एक अकेले व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं, और ये जो बचते हैं 99 लोग, ये 99 लोग भी इसमें से ऐसे लोग हैं जो फ्री का राशन खा रहे हैं। देखो पूरी दुनिया में कह लो या भारत में कह लो, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, ये गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। जब तक लोग समझेंगे तब तक पूरी आग लग चुकी होगी। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है जानबूझ के, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। ये जो आपने फ्री फ्री खाते खोले थे, सब ने पैसे डाले थे ना, ये कोई फ्री फ्री कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा पैसा उधर लेके जाना था। जितने घरों में मतलब जुड़े हुए पैसे रखे थे सब वो ले निकाल के ले गए। लेकिन तुम लोग खुश रहो, मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और क्या क्या नारे हैं जो भी। लेकिन खेल इसके पीछे धर्म का नहीं है, पैसे का खेल है। नॉट करेक्ट में आंसर दीजिए। इसमें तीसरे वाला गलत है, ए आंसर है इसका। पहला दूसरा दोनों ठीक है, इसमें अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हंटिंगटन रोग के लिए कोई ऐसा टीका अभी उपलब्ध नहीं है जो परमानेंट सॉल्यूशन इसका दे सके। पहला मतलब तीसरा वाला केवल एक गलत है, पहला दूसरा ठीक है। हंटिंगटन रोग जो है डिजीज, अगर किसी को ऐसा होने लग जाए, मूडी हो जाए वो, और उंगलियों में थोड़ा सा ना फिलिटिंग जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, टेढ़ापन सा टाइप का इस तरह का, कॉग्निटिव इश्यूज हो जाएं, पर्सनैलिटी शिफ्ट हो रही हो, कैसी पर्सनैलिटी दूसरी टाइप की हो गई, डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन में तानी आ रही है आजकल, ट्रबल फेसिंग इस तरह से, मसल स्विचिंग, उंगली मुड़ गई इस तरह की हो गई, पैर मुड़ गया इस तरह से, तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। पढ़िए, यस तानी, सिर्फ गरीब और अमीर की लड़ाई है, बाकी कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की आड़ में तो खेली जा रही है, क्योंकि धर्म की आड़ में आसानी से खेली जा सकती है। अभी नहीं जाएगी अनुराग, अभी तो वो मजबूत होगी और जाने की नहीं सोचो, इलेक्शन से नहीं जाएगी वो, निकाल दो दिमाग से। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट है मुझे सही बताना, अच्छा कितने लोगों को ये पता है कि आईएएस के लिए बैकडोर से भर्ती होने लगी है, बताओ सच सच बताना, बैकडोर से कितने लोगों को पता है कि आईएएस, और वो भी आईएएस डीएम नहीं सेक्रेटरी लेवल की भर्ती बैकडोर से हो रही है, बताओ कितने लोगों को पता है। अभी पिछली बार 35 या 30 लोग रखे गए हैं बैकडोर से। जब ये हो सकता है, देश कौन चलाता है, सेक्रेटरी चलाते हैं, और सेक्रेटरी जब बैकडोर से रखे जाएंगे तो कौन रखे जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, बाकी न्यूज तो पढ़नी नहीं। अब आप लोग आज जाके देखना, YouTube पे डालना लेटर एंट्री इन आईएएससी या यूपीएससी, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं, बस एग्जाम पास हो जाए बाकी जाए बाहर में। अब सोचो ये 30-35 लोग हर साल भर्ती होंगे तो ये क्या तांडव मचाएंगे, तुम सरकार हटा दोगे, कभी भी नहीं। ओपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, पार्टी ए है
बाकी पार्टी बी सी डी ई जितने भी इसमें भ्रष्ट लोग हैं अगर वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए तो वो धुल जाते हैं, एकदम पाक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो ना आए उसके पीछे ईडी ईडी सीबीआई तो लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है। लेकिन अगर किसी को बोलो बोलेगा नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, देश ऊपर जा रहा है, ले जाओ देश ऊपर, पता लगेगा तो कुछ दिन। सही में आंसर दीजिए कितने, कौन सा कथन सही है? जय हिंद खुशबू। नहीं कल्पना अभी समझ कहाँ आएगा, अभी तो और कर लो थोड़ा सा। उस दिन क्या बोली थी, मैं तो वोट उसको दूंगी, दो वोट अच्छी बात है, फ्रीडम है, लोकतंत्र है, दो वोट। हाँ सलोनी, चलिए कथन सही, सही आंसर दीजिए। ए आंसर है शोभा कांत का। पनामा नहर लाल सागर से सीमा। इसमें पहले वाला ठीक है, ए आंसर है इसका, दूसरा गलत है। इसमें इथियोपिया नहीं है, बाकी सब सीमा साझा करते हैं। जो रेड सी है लाल सागर, इथियोपिया को छोड़ के बाकी लाल सागर से सीमा साझा करते हैं। दूसरा गलत है, पहला ठीक आंसर होगा ए। ये है पनामा कैनाल नहर, यहां पर वैसे तो दिख रही होगी ये जो इस तरह से है, ठीक है। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका बीच में कैरिबियन सी पैसिफिक ओशन पनामा नहर, इसको लोकेशन को याद रखना। पनामा नहर पनामा में 82 किलोमीटर का एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये नहर पनामा के जलड़ मरुस्थल से होकर गुजरती है और समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख माध्यम है। जलड़ मरुद मतलब मरुमध्य है, जिस दो दो भूमि के बीच में से जाने वाला, इसके नाम से पता लग रहा है जलड़ मरुमध्य है, दो मरु मतलब भूमियों के बीच में से जाने वाला जल, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच में जा रहा तो जलड़ मरुमध्य हो जाता है, इसको बोलते हैं इस्थमस इंग्लिश में। तो यह है पनामा नहर। लाल सागर हिंद महासागर के समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। लाल सागर की सीमा में मिस्र सऊदी अरब यमन सूडान इरिट्रिया और जिबूती शामिल है। नाम याद रखा करो, ये मैप को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैपिंग मतलब ज्योग्राफी। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है नहीं, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है वैसे मैपिंग मतलब ज्योग्राफी होता है। लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठता के बारे में विचार करेंगे, सही आंसर देंगे। भूलना नहीं है कल्पना, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूं। मतलब यूपीएससी भूलना है, ये नहीं बोला कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अच्छे से चुनेंगे। यूपीएससी भूल जाओ लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वहीं चुनो जाके, वाह क्या लॉजिक है। ये नहीं बोला कि इस बार इलेक्शन आ रहा है तमीज के रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जो कोई हमारे यहाँ वोट मांगने आएगा उनसे जवाब मांगेंगे, यहाँ बैठ के जवाब दो हमारे लिए क्या क्या तुमने, जवाब लिया जाएगा ना, जवाब नहीं लेंगे हम तो यूपीएससी छोड़ देंगे। खतरा आएगा तो आंख बंद कर लेंगे हम। छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम सी सी, बी
ये शिक्षा मंत्रालय की नहीं है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। पहला गलत है, दूसरा ठीक है, आंसर होगा बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। पहले धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत चल रहा है आजकल न्यूज में। धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नॉट करेक्ट में आंसर देना है, कितने सही नहीं है, कितने सही नहीं है। दीजिए आंसर, ए ए ए बी, इसमें कोई भी गलत नहीं है, डी आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक हैं। अरे तीसरे वाले को तो आप ऐसे जोड़ देते केजरीवाल से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर ईडी का कोई जवाब नहीं दे रहा है सवालों का, या सम्मन का आंसर नहीं दे रहा है, उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे इस वजह से। तो केजरीवाल ने कब तक सम्मन को नहीं गया है ईडी, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली ईडी के सम्मान आ रहे थे, लेकिन केजरीवाल भाई साहब नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कानून है। जय हनुमान। तो तीसरे वाला भी सही है, पहला दूसरा भी ठीक। चोर आ गया दोपहर में, अभी तो दोपहर हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, धन शोधन और संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए 2002 में अधिनियम का एक भारतीय कानून है। 2002 में धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था। चलिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कितने ठीक है आंसर देंगे। अरेस्ट तो बाद में किया है, वो तो केस लगा के किया है ना, सम्मन के बेस पे थोड़ी किया है कि तुम हमें हमारे सम्मन पे आए नहीं इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं किया है। वो जो नाम भूल गया मैं, सरकारी गवाह बनाया उसको, उसने बोला है कि हाँ मैं सरकारी गवाह बन रहा हूँ केजरीवाल के खिलाफ, ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो अलग मैटर है। यहाँ सम्मन पे बात की ना, सम्मन के थ्रू, कि अगर सम्मन को कोई उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, उसके उसमें नहीं जा रहा है सम्मन पे, तो इस आधार पे, इस बेस पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि तुम आए नहीं थे हमारे बुलाने से। डी बी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़ा करो और प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। यहाँ क्या हो रहा है, नए नए क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, पिछले वाले रिपीट हो नहीं रहे, तो पिछली वीडियो जाके देख लिया करो। ये वाला स्टेटमेंट हजार बार तुमको पढ़ा चुका हूँ मैं, दूसरे वाला। इसमें तीनों ठीक हैं, पहला दूसरा तीसरा आंसर होगा सी इसका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों करेक्ट। नजर डाल लो थोड़ी सी, मुंह दिखाई कर लो क्वेश्चन की। बिल्कुल तोड़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा है कि वो कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाता है हर चीज का।
चलिए आज का लास्ट सवाल पूंजीगत निवेश योजना के बारे में सही आंसर देंगे। पूंजीगत निवेश योजना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम पूंजीगत निवेश योजना। सी सी इसमें बी आंसर है, दूसरे वाला गलत है, पहला तीसरा ठीक है, पहला तीसरा ठीक है। इसके 10 भाग नहीं है, 8 भाग है, 8 पार्ट है इसके। और जो भाग एक है, पार्ट 1, उसमें छोटा आवंटन नहीं है, सबसे बड़ा आवंटन है। जो एलोकेशन किया गया सबसे बड़ा, वो पार्ट 1 में किया गया, 8 पार्ट है इसके। दूसरा गलत, पहला तीसरा ठीक आंसर होगा बी। ये 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुरू किया गया था। इसमें जो 1.3 लाख करोड़ के आवंटन के साथ राज्यों को विशेष सहायता योजना 23-24 के रूप में जारी किया गया, 1.3 लाख करोड़ रुपीज। इसके 8 भाग हैं, और जो पहला भाग है 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा। वेरी नाइट। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। जो लोग नए जुड़े हैं, डेली हमारा सेशन 10 बजे चलता है और अलग अलग चैनल पे चलता है, यानी कि एक दिन इस चैनल पे, दूसरे दिन दूसरे पे, तीसरे दिन तीसरे पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक हैं। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी दिया हुआ है, ताकि बाकी जो अपडेट हैं वहाँ पर मिलती रहें। इसी तरह के क्वेश्चन में टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ डेली, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनसे अलग क्वेश्चन होते हैं। और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, वहाँ पे अलग क्वेश्चन है। PYQs भी एक जगह मिल जाएंगे, NCERT के क्वेश्चन हैं, और सेक्शनल टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट, मतलब सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। वेरी गुड नाइट। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोपहर 2 बजे। जिसको मैथ पढ़ना हो, किसी भी एग्जाम के लिए 2 PM पे आ सकता है, और जिसको MCQ जब भी लगाने हो फिलहाल, वो 10 बजे आ सकता है। बाकी क्लासेस जैसे स्टार्ट होंगी अपडेट मिलता रहेगा आपको, यहाँ भी और टेलीग्राम चैनल पर भी।